that in adjoint method we solved lots of time adjoint A31 हम लोग निकालते थे, but in MSTCET you have to just keep in mind that is one formula A31 into cofactor of A31 plus A32 into cofactor of A32 plus A33 into cofactor of A33, that is determinant of A only. Okay, इसका आंसर क्या रहेगा? इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट रहेगा. सिमिलरली अभी कभी कभार अलग प्रॉब्लम में पूछा गया कि फाइंड करो A21 into A21 plus A22 into cofactor of A22 plus A23 into cofactor of A23 is equals to, this will also come to determinant of A. ये चीज़ ध्यान में रखो बच्चों, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम पूछते हैं एग्जाम में. ओके, सो हियर वी विल फाइंड सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो चलो फाइंड करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या मिलेगा. आंसर बताओ जल्दी. दैट इज 1 7 × 1 7 माइनस 20 माइनस 2 7 माइनस 5 × 2 दैट इज 10 प्लस 3 × 4 माइनस 2 माइनस 13 माइनस 2 × माइनस 3 प्लस 3 × 2 दैट इज माइनस 13 प्लस 6 प्लस 6 and it will come to minus 1. So option C is the correct. समझ में आ रहा है क्या? इस टाइप के जो फॉर्मूला है वहाँ पर बड़ी प्रोसीजर करने से अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान में रखो और आंसर निकालो. So just note down very fast.